साल में बहुत कुछ चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में, तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनलर्न भी किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे जितने भी लोग हैं, चैनल्स जो मेरे साथ काम कर चुके पिछले 17 साल में, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई थी संजीवनी के साथ और वो करते करते एक हसीना थी, एक हज़ार मेरी, मैंने बहुत से शोज, अब जब एल्केमी हमने शुरू किया 1 साल पहले, बहुत ही मुश्किल वक्त था हम दोनों के लिए, और उस मुश्किल वक्त को पार करके आज एक पार्टी रखना उसी सफलता के लिए, हमारे लिए उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। जी 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 क्या आप लोग के साथ में हैं, तो ये चीज़ कितना आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत करती है, और वो लोग हैं जो साथी में जिनका ये कपिल कपिल का वर्किंग टुगेदर। हाँ हाँ, ये तो जो मेरी वाइफ है ये एक्चुअली इन्हें कोई चॉइस नहीं दिया गया, ये एक्चुअली फैशन डिज़ाइनर है, इन्हें प्रोडक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ये प्रोडक्शन कंपनी खोलनी ही थी, और फैमिली ही है वो एक एक माध्यम जिसे आप अपना समझ के ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये तो मेरी बीवी है, तो मैंने बोला आप सब कुछ छोड़ के अब मेरा साथ दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो एक इमोशनल डिसीजन था, और इन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम था, इन्हें ढकेला गया है एक प्रोडक्शन के, भाई करो संभालो। आई थिंक अभी मैं बिलीव करती हूँ कि अगर साथ होना किसी का तो कुछ भी अचीव हो सकता है, तो आई थिंक आप चाहो तो इट इज़ ईजी टू अचीव इट, सो या आई एम हैप्पी विथ जो भी हुआ। मैं ऑडियंस को हासिल के लिए इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत ही, इससे ज़्यादा मैंने आज तक कभी इतनी मेहनत किसी शो में नहीं की है, फ्रॉम जायद खान टू वत्सल, जो जायद खान पहली बार टेलीविज़न पे आ रहे हैं, फ्रॉम वत्सल से टू निकिता, तो पूरी मेरी जो टीम है डायरेक्टर्स की राइटर्स की, ये पहला शो है आई थिंक मेरे हिस्ट्री ऑफ टेलीविज़न में जहाँ पे हमने पूरी कहानी लिख डाली, तो हमें आज जनरली हम TRP के वजह से हम हर हफ्ता कुछ ना कुछ नया बदलते हैं, इस कहानी इस शो पे पूरी 130 एपिसोड की कहानी है, और पूरी 130 एपिसोड पहले लिखे गए, फिर हमने 50 एपिसोड अभी शूट कर लिया है, और अबाउट 20 एपिसोड डिलीवर भी कर लिया है, तो ये पहली बार मुझे लगता है मेरे हिस्ट्री में कि एक कन्विक्शन के साथ, के कन्विक्शन जनरली बदलते रहता है, उस कन्विक्शन के साथ हमने काम किया है और चैनल ने हमें सपोर्ट किया है, तो मैं चाहूँगा कि अगर ये चल गया तो ये टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा, और जितने भी मेरे जो कलीग्स हैं जो ये करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। इंडस्ट्री के लगभग सारे जी 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 किस तरह की पार्टी होने में ज़्यादा सब हमारे फ्रेंड्स हैं, अभी एक रिश्ता बन गया है इन लोगों के साथ इतने सालों में। जैसे मेरे गुरु हैं सूरज प्रजाति, उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है और मेरे फादर ने हमेशा सिखाया है कि एक फैमिली, एक जब एक रिश्ता बनता है तो एक फैमिली की तरह बनता है, तो जब एक टीवी शो बनाते हैं आप रोज़ उसी का शक्ल देखते हो, 1 साल तक उसकी उन्हीं की शक्ल देखते हो, उन्हीं यूनिट की शक्ल देखते हो, उन्हीं के साथ रहते हो, उठते बैठते हो, तो एक परिवार टाइप बन जाता है। आज जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं इमोशनली, तो हमारी खुशी में उनकी खुशी है और उनकी खुशी में हमारी है, तो इसलिए वो आज आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मज़ा आएगा। सक्सेस का क्रेडिट मैं इन्हें दूंगा और बाकी जितने चैनल हैं उनको दूंगा, फेलियर का क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। थैंक यू। No, 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 just sit down.
back in our old neighborhood. Yes. कैसे सब लोग? Happy Diwali और Happy New Year सब लोग. Yeah. Roll sir. Roll. एक साल कंप्लीट हो गया है. Absolutely. तो सिद्धार्थ को तो मतलब बहुत बहुत शुभकामना, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा. सिद्धार्थ के पापा और मेरे, नहीं सिद्धार्थ के दादा और मेरे दादा बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड्स रह चुके हैं. सिद्धार्थ के पापा और मेरे पापा क्लोज फ्रेंड्स रह चुके हैं. दोनों ने प्रेमनाथ जी एंड माय ग्रैंडफादर राम कुमार बोरा, दे मेड मूवीज टुगेदर राइट. या सो हम लोग का जो रिलेशन है वो बहुत बहुत पुराना है, मतलब यू नो काफ़ी तीन जनरेशन से जुड़ा हुआ है. या सो एंड वाजिब है कि सिद्धार्थ भी मतलब ईस्ट आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस, एंड ऑफ कोर्स ये तो पहला साल है, ऐसे और 100 साल बिताएगा ये. नहीं हम तो ऑफ कोर्स आए कि एक साल कंप्लीट हो गया, लेकिन जब मैंने टीजे को बताया कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये टीजे की फेवरेट जगह, मतलब जब हम मिले थे ना पहली बार, पुराना नेबरहुड है. हाँ हम लोग बैंड्रा में ही रहते थे. दिस इज माय फेवरेट रेस्टोरेंट. और फेवरेट डिश कौन सी थी? पेनी नेपोली. नेपोली या ये एक फिरंगी जो होते ना, हमारे तो बस पास्ता लाओ पास्ता. भाई अब जो कि क्या नया है, हैलोवीन इज कमिंग मैन. हैलोवीन इज कमिंग. या सो वी हैव टू एक्चुअली ड्रेस अप फॉर लिटिल बिट, थोड़ा डार्क हैट्स शूज स्पेशली अगर आप नोटिस करें तो. या प्लीज स्टेप स्टेप असाइड. पेन नहीं है? अरे नहीं वो उधर चिपकी हुई है. हाँ वो खाली स्टाइल के लिए. चलो थैंक यू सो मच. सालों से मैं सिद्धार्थ को जानता हूँ, जब सिद्धार्थ खुद गाना गाते थे और आज भी अच्छा गाते हैं, लेकिन ऑफकोर्स आज वो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और उनकी फिल्म आ रही है बहुत जल्दी हिचकी, और साथ साथ बहुत सारे, एक साल में एल्केमी ने जितने, मतलब आज का जो वातावरण है टीवी पर, तो उस हिसाब से एल्केमी ने जो सक्सेस एक साल में उन्होंने प्राप्त किया, इतने सारे हर चैनल में उनके शोज चल रहे हैं, और मेगा सीरियल अभी शुरू हो रही है हासिल,
जिसमें मतलब मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त जाहिद खान है और वत्सल है. तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक कि टेलीविज़न में आज जब लोग यू नो और छोटे और सिंपल स्टोरीज पे जा रहे हैं, अल्केमी मेगा सीरियल्स बना रही है, लव का इंतज़ार भी बहुत ही एक बड़े पैमाने में उन्होंने बनाया. सो आई थिंक घर बैठे बैठे टेलीविज़न पर अगर आप कोई सिनेमा स्कोप एक्सपीरियंस अगर कोई आज की तारीख में दिला रहा है तो वो है अल्केमी. और डेली शोज में इस तरह का स्टैंडर्ड रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी एक्सपीरियंस इतनी कमाल की है. सिनेवेस्टा के बाद अपना खुद का कंपनी शुरू करना बहुत ही डेयरिंग बात थी, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने बहुत ही एक कमाल की मतलब एक मतलब मोटिवेशन दिखाई कि अगर कुछ करना है तो हम कर सकते हैं. और वाकई अल्केमी का मतलब होता है कि आप डस्ट से सोना निकालते हो, उस तरह से इन्होंने हर सीरियल में मतलब सुनहरा बना दिया है हर सीरियल को. और ऑन अ पर्सनल लेवल मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत करीब का दोस्त हूँ सिद्धार्थ और सपना का, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, वेरी हैप्पी. NYC. I like. What are you a fan of? Baseball or just New York City? All right. Thank you guys. Thank you. भाई मैं यही कहूँगा कि हर कोई प्रोडक्शन हाउस के पीछे लोग होते हैं और वो लोग ही वो प्रोडक्शन हाउस को बनाते हैं और वो लोग ही उसके काबिलियत और सक्सेस को बनाते हैं. और अल्केमी के पीछे ये है क्या टाइमिंग है माइंड ब्लोइंग है. ये बोला था कि ये इनका सवाल ये था कि अल्केमी के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इसके पीछे का आगे. तो मैंने बोला कि यार हर कोई कंपनी के पीछे एक आदमी होता है या एक औरत होती है या लोग होते हैं और लोग ही कंपनी बनाते हैं. और ये बंदा जो है सचमुच मैं कुछ बोलने नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये हाई समान है. अब तक इनकी अंदर इनके जो कॉम में इनके जो खून में है ये है कि मुझे क्रिएटिव बनना है, मुझे सबसे ज़बरदस्त शो बनाना है, मुझे सबसे ज़बरदस्त पिक्चर बनानी है. और जब तक ये लोग हैं तब तक हम हैं. बस अल्केमी के पीछे सिद्धार्थ मल्होत्रा माय ब्रदर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग. अल्केमी के संग जाहिद खान हमेशा रहेंगे. बिल्कुल हाजिल के नाम वनडे देखिएगा. आपने तो बोला अभी सवाल भी पूछ लो. आप अभी नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि सचमुच थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ मल्होत्रा अल्केमी. यकीनन मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर वो काबिलियत थी कि मैं ये करूं, ये इतनी बड़ी शो और इतना कॉम्प्लिकेटेड जो कैरेक्टर है सचमुच मुझे नहीं पता था. लेकिन एक दोस्त ने हाथ दिया और बाकी आप 30 तारीख को देखो. मुश्किल है भाई, टेलीविज़न मुश्किल है, लेकिन जब तक दर्द नहीं है तब तक मर्द नहीं बनता है. देख मैं यही कहूँगा कि यार टेलीविज़न जितना छोटा पर्दा लगता है ना उतना ही बड़ा है. मैं बार बार हमेशा सबसे कहता हूँ कि 70% लोग इंडिया में टेलीविज़न देखते हैं, सिर्फ 20% पिक्चर जाके देखते हैं. तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप रीच आउट नहीं करते हो अपने चाहने वाले से, अपने फैन से कि यार शायद गलती हो गई लेकिन मैं आपको टिकट का खर्चा नहीं काटने दूंगा जब तक मैं अपने आप को प्रूव नहीं करता हूं. और मकसद तो यही है कि सबका भरोसा और सबका प्यार हासिल करना है. वो मैं बाद में बताता हूँ.
थैंक यू। मैं सबसे पहले तो हैप्पी एनिवर्सरी कहना चाहूँगा। एक साल का बच्चा तो दरअसल बहुत छोटा होता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है एल्केमी, और बड़ा होने वाला है। ये उन बच्चों में से है जो होनहार विद्वान के हो चीखने बाद बोलते हैं, उसी तरह का ये एल्केमी है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस प्रोडक्शन हाउस को और साथ साथ मेरे बच्चे को जिसका नाम है सिद्धार्थ। मेरे सामने पैदा हुआ है, जब वो पैदा हुआ था जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं पहले ही दिन उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गया था और उसको मैंने अपने हाथों से यूँ उठा के उसको देखा था। तब से लेके हमारा एक रिश्ता है। मेरे सामने जो बच्चे पैदा हुए हैं और जो आज बड़े हो गए हैं, उन्हीं को हक है मुझे अंकल कहने का, और इसलिए सिद्धार्थ मुझे अंकल कहता है। और हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और शुरू से लेकर अब तक है और आगे भी रहेगी। थैंक यू। Very big achievement, and all my best wishes to Sapna, Siddharth sir. You know, unki mehnat hai ki Alchemy aaj ek saal pura kar chuka hai. You know, it's given a really cute show. Ek to main bhi kar chuki hu. Main ek din ke liye shoot kiya tha. What was it? It was Ichha Pyari Naage. So I just hope that jo naya show aa raha hai, you know. That also garners a lot of TRPs because TRPs are important, and I'm sure I'm going to like it because मैं खुद इन लोगों के you know दो shows का हिस्सा रह चुकी हूँ, और I know that their content is very strong and people like their shows and definitely बहुत जल्दी fans बनने वाले हैं नए show के लिए, so all the best. हासिल का promo world class लगा। आई शुड से कि मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जायद उसमें है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो यू वॉचिंग अ मूवी, एंड वत्सल है, एंड सो इट्स अ वेरी नाइस कास्ट एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू गो वेल। मुझे अभी भी रियल लाइफ से ब्रेक मिला है, मुझे 3 साल 3.5 साल के बाद ब्रेक मिला है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे डेंगू हो गया। इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा अनवेल रही हूँ, मैं अभी भी वीक हूँ, अ लिटिल जिटरी, तो लेट्स सी मैं अब क्या करती हूँ। आई हैव अ लिटिल रेस्ट, आई माइट गो टू सम प्लेसेस यू नो, थोड़ा हॉलीडे करूँगी, उसके बाद आई गेट बैक टू वर्क। थैंक यू। हाँ जी, मैं सिद्धार्थ को विश करना चाहूँगा एंड द होल टीम ऑफ हासिल, आई विश देम द वेरी बेस्ट, आई होप दे अटेन सुपर सुपर सक्सेस, सुपर टीआरपीज़, एंड आई एम कंप्लीटली रूटिंग फॉर देम, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू यार मैं आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. एक साल हो गया है एंड वो अपना सो को भी 200 एपिसोड्स हो गए हैं एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट. कांग्रेचुलेशंस. Yeah, it looks great. I saw the latest promo and it's been shot really well. The story is very good. मैंने मुझे पता है कहानी क्या है. And the great actors and super producer, good director. I think it's got all the combinations. So I just wish them all the best. It should be good. Thank you. Okay, you want to ask or should I just... Congratulations to Siddharth and Sapna and the entire team at Alchemy. I think it's a fabulous journey because they started from scratch and they've reached so many shows in this period of time. So the credit goes to both of them, the teamwork and the dedication and the effort and the energy. And Siddharth is like really, really talented in the work he does. So all the best to you. सिद्धार्थ के साथ मैंने भी एक शो कंप्लीट किया है लव का इंतज़ार और बहुत अच्छा शो था. अच्छा चला था स्टार के साथ. सो विश हिम ऑल द बेस्ट. लाइक नया शो अभी शुरू होने वाला है सोनी चैनल पे और बाकी भी साथ में काम कर रहे हैं तो एक साथ उन्होंने बहुत अच्छे शोज निकाले एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड Red is hot, black is hot. So once we didn't plan what we were going to wear, we actually have both had two busy days and we landed up wearing the same clothes. I think you look very handsome. I think you look lovely. Yes. थोड़ा आप जोर से बोले जी. कुछ नहीं, बहुत ऑफकोर्स खुशी हो रही है क्योंकि हासिल अभी दो दिनों में आने वाला है. And of course, all of us have this nervous excitement अपने हमारे अंदर. तो it's a good way to celebrate. I think because all of us are going through the same emotion, जितने भी हम team members हैं. तो I think आज इस party के जरिए we all are going to kind of let go of whatever we all are feeling about us. ऑफ कोर्स मेरे एक्सपीरियंस में ऑल्सो दिस इज़
I think the biggest I have seen on television, and trust me, I am so glad and I feel so blessed कि मुझे इतने बड़े शो का पार्ट होने का मौका मिला है. ऑफ कोर्स सिद्धार्थ एंड सपना द डार्लिंग्स दे आर, दे हैव पुट अ लॉट इनटू दिस, दे पुट देयर हार्ट एंड सोल, एंड ऑफ कोर्स दे कंप्लीट वन ईयर विद देयर प्रोडक्शन हाउस. आई वांट टू एक्चुअली कंग्रेचुलेट देम एंड आई वांट टू थैंक सिद्धार्थ दैट ही शोन फेथ इन मी एंड ही इज चोजन मी टू प्ले आजकल फॉर हासिल. आई एम कीपिंग फिंगर्स क्रॉस एंड आई नो इट्स गोना डू वेल. थैंक यू सो मच जी. आज मैंने रिबेका दीवान की ड्रेस पहनी है एंड आई हैव ट्राइड टू कीप समथिंग वेरी सिंपल. जनरली पीपल आर वेरी स्केयर्ड टू एक्सपेरिमेंट विद वाइट, सो आई हैव सेड दैट आज थोड़ा रिस्क लेते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग वाइट. आउटडोर शूट ऑफकोर्स आई थिंक एक कॉमन चीज जो हम सब ने बोली है that is that this has been by far our most fun outdoor. I think after coming back all of us wanted to go back and shoot again. Itna maza kisi ko bhi itne outdoor pe nahi aaya jitna all of us have had fun. So I'm just hoping and of course there are very beautiful shots that have come out, so I'm just hoping that the audience can appreciate it as much. कॉम्प्लीमेंट्स तो टच वर्ड अभी तक बहुत पॉजिटिव मिले हैं एंड आई थिंक आगे भी ऐसा ही होगा, बट आई एम ग्लैड दैट पीपल हैव अप्रिशिएटेड द प्रोमो, दे लाइक द प्रोमो, सो वी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि उतना अप्रिसिएशन हमारे एपिसोड्स को भी मिले. थैंक यू. ये हो गया क्या कहना चाहेंगे आप, वो हो गया कल भी पूछा था, तो यानी लगे तो जो क्या कहना चाहेंगे. आई एम वेरी हैप्पी सिद्धार्थ और सपना के लिए. मेरे तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्शन हाउस, उनका काम बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज उन्होंने मुझे निशा दिया है, निशा का कैरेक्टर दिया है वो अपना साथ है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड मेरे सपोर्ट है. और बहुत अच्छा लगता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं दूसरे लोगों को उनकी सक्सेस की सपोर्ट करने के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी. विंटर ना, आई मीन बॉम्बे में विंटर नहीं आती है लेकिन वो एक विंटर की फील तो आई जाती है ना हम सब में, सो आई थॉट ऑफ गोइंग अ लिटिल डार्कर. राकेश नहीं आया बिकॉज दो पार्टीज हैं आज, सो अगर वहाँ नहीं जाते तो वो हमारी वो फ्रेंड हमें मार देते, सो ही इज़ गॉन देयर. And the best part about this guy is that he never meets. And he keeps making fun of people. And he keeps making fun of people. But you know what? I don't care because I love these two. I don't need to look at you. I love you. See, that's I don't really that's love you, that's you no, but that's I love you. बोलने दो ना मेरे बारे में.
मुझे पता था ये आएगा, मुझे पता था कि हंसेगा, ये इसकी आदत है कि मैं जो कुछ पहनता हूँ वो करता। ये क्या? ये ग्लैस बना है बिकॉज बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ आई है, इसकी नजरें दिखे नहीं। नहीं, ये टीजे के लिए था कि पोक कर सके। एक साल Alchemy के लिए। यू नो सिद्धार्थ इज सच अ क्रिएटिव गाय, आई एम सो हैप्पी कि उसके इतने सारे शोज आ रहे हैं एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि इससे डबल शोज करे वो। ओ दे आर माय प्रोड्यूसर्स, मैंने उनके साथ तीन शोज किए हैं और मेरा जो लास्ट शो था वो भी Alchemy के साथ था, सो आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट और बहुत सारे शोज करें एंड एज आमिर सेड सिद्धार्थ इज वंडरफुल। ये बहुत आज हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था हम क्या पहनने वाले हैं। संजीदा प्लान करती, मैं बिल्कुल प्लान नहीं करता, मेरे लास्ट मिनट जो कपड़े आ जाते मैं ये पहन लेता हूँ। थैंक यू। क्या पहनना नहीं गया तुमने पहले ही खड़े कर दोगे। Yeah, yeah.
Guys, by the way, did you know that Sony channel जो है अभी number one हो गया? और आपको आपको क्या लगता है? एक चीज, हम लोग खुद का ढिंढोरा नहीं बजा रहे हैं यहाँ पे. सचमुच इसमें बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत मेहनत, बहुत लगन. और मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि एक तरफ वत्सल सेठ, एक तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा, दूसरी तरफ दानिश खान, यही इंडिया है. और बीच में हमारे जाहिद खान. और मैं सचमुच कह रहा हूँ कि वी आर एन ऑगस्ट कंपनी. नहीं, एक चीज़ मैं बताऊँ, सेट में हम कभी पंजा नहीं लड़ाते क्योंकि ये हमेशा जीतता है. आपने कभी वत्सल सेट का मैजिक ट्रिक्स देखे? वत्सल सेट शेट सॉरी सबसे उम्दा मजिशियन है मुंबई में, मैं बता रहा हूँ. कोई और आ गया? लेकिन वत्सल एक मैजिक ट्रिक खेले इसके साथ. वो मैंने सीखा है जाहिद भाई से, उन्होंने मुझे सिखाया. और किसी को पता नहीं कि मुझे सिखाने वाले ये हैं. तो बट इट्स बीन ग्रेट फन ऑन द सेट्स. वी बीन ट्रिकिंग एवरीवन एंड वी बीन फूलिंग एवरीवन. बट इट्स वी बीन हैविंग अ ब्लास्ट. द ट्रूथ इज इट टेक्स टू टू टैंगो. करेक्ट, एग्जैक्टली. बट I just told everybody today that if it wasn't for Vatsal, I don't think I would have had a good time acting. And it's another thing ke acting ek job hai, aapko karna hai kyunki aapko per day milta hai ye wo. Lekin agar per day bhi mil raha hai, agar acting ke liye aur agar bhai saman aise aadmi mila hai, to matlab aise lagta hai ki aap holiday pe ho. Likewise, same. To sahi sahi main bata. See, exactly, उन्होंने जो कहा, it's so bang on for me, it's the same, you know, it's been a sheer pleasure working with him. हम लोग ये शो जो है, it's set on a very large scale, we've shot extensively in Mauritius, वहाँ पर हमने बहुत शूटिंग की. और अभी बड़ा जगह बाकी है ना, बड़ा मजा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये वो. एक गाने से भी पूछते हैं अभी. एक चीज़ जो हम 100% कह रहे हैं कि जो शो है, इट्स डेफिनेटली बिगर एंड लार्जर देन यू नो एनी ऑफ द शोज यू हैव सीन. एंड वी बीन हैविंग अ ब्लास्ट. वी बीन हैविंग अ बॉल, देयर इज नो डाउट. तो देखो, जिंदगी में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हासिल वो ही है जो हर कदम हर वक्त आपको हासिल करना चाहिए. और अगर आप सब कुछ हासिल करें तो जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है. लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि हर दिन जब हम सेट पे होते हैं तो उस दिन जितना भी हम हासिल करें और जितना भी हम हासिल कर सकते हैं वो एक जीत है हमारी. Exactly. तो well said. You know, यही कह सकता हूँ कि एवरी डे इज अ न्यू अमेजिंग डे. एंड खासकर हम एक्टर लोग को पता नहीं होता है कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा है बियॉन्ड. My two most handsome men. क्या 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 टाइमिंग है निकिता दत्ता की. मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं कि वो सूंघ सूंघ के आती है, लेकिन यह असल में ऐसे होता है. I want to know what was being spoken about here before I came. We were saying, अच्छा बंसल की. अच्छा बंसल की तारीफ हो. गलत बोला था. निकिता की तारीफ हो. अच्छा नहीं नहीं सचमुच I am मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक्टर्स ऐसे मिले भाई और गर्लफ्रेंड के रूप में कि मज़ा भी आ रहा है, दोस्ती भी है, शरारती भी है. लोग बहुत बहुत ऐसी चीज़ कर रहे हैं. तो एनीवे निकी ठीक हो. अरे तेरे सवाल ऐसे ए नबा लेना. क्या पूछिए? किसकी? सेट पर की मेमोरीज.
मेमोरीज तो जनरली मैं आपको सेट का माहौल बता देती हूँ. जब भी हम तीनों सेट पर होते हैं तो जो वत्सल है और जायद है एक साथ मिल के, इनको मैं ही मिलती हूँ टांग खींचने के लिए. और कोई है ही नहीं शायद इनके पास. तो अपने अपने तरीके से दोनों मिलके मेरी इतनी ज्यादा टांग खींचते हैं. वत्सल तो फूल मत देख. एक्चुअली दोनों मैजिक ट्रिक्स भी करते हैं. सो बेसिकली व्हेनेवर वी ऑल थ्री आर टुगेदर ऑन सेट आई नो आई एम गोइंग टू बी द बकरा एंड कुछ ना कुछ मेरे साथ मजाक होने वाला है. लकी यू. जैसे मैंने कहा हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग ने बहुत बहुत मेहनत की इस शो पर. वी गिवन एवरीथिंग इन आई मीन ऑल दी एक्टर्स प्रोड्यूसर्स टेक्नीशियंस हमने बहुत बहुत मेहनत की है. और ये एक ऐसा शो है कि अगर मैं इस शो में नहीं होता तो भी मैं देखता और मुझे बहुत अच्छा लगता. नहीं, एक चीज़ मैं बताऊँ, हम दर्दी नहीं चाहिए. आपको अच्छा लगा देखो सचमुच यकीनन मैं कह सकता हूँ वत्सल और निकी ने ऐसे जबरदस्त एक्टिंग की. You want to hear your praise, guys? ऐसे जबरदस्त एक्टिंग कि अगर हम नहीं देखे ना तो मतलब आपके ऊपर है बस. थैंक यू सो मच. मतलब नहीं देखे तो आपके ऊपर. थैंक यू. कोई तस्वीर मत उतारो प्लीज. बस इतना ही. तुझे कौन सा फिल्म डेवलप करना है यार, एक तो और ले लो. बाल ऐसे रखेंगे चश्मा सब कुछ डिसाइड करके आए. खत्म. सॉरी जल्दी टाइम देखिए आप. आपको कैसे खबर मिली? आप सेट पे नहीं, आप थे सेट पे. आज आज जल्दी हो गया. मुझे आज कुछ काम था और सिद्धार्थ की आज प्रोडक्शन की एनिवर्सरी थी. और मैं तो वैसे भी शूट नहीं करती हूँ. दर्शी ने शो नहीं लिया क्योंकि आज पार्टी में आना था. सो एक्चुअली मुझे इतने सारे शोज मिल रहे थे पर मैंने बोला आज के दिन मैं शूट नहीं करूँगी. दैट्स हाउ एक्साइटेड वी आर. क्या होने वाला है? आई एम श्योर ये कैमरा थोड़ी देर बाद अंदर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा पार्टी कैसी होने वाली है. कुछ नहीं है यार, काला सूट पाओ ना. थैंक यू. I would say Mr. and Mrs. Malhotra, many, many congratulations for this achievement. You guys are doing superb and you guys are making great shows. Keep doing that and many more successful years to come. Yeah, I didn't notice actually. Most of the people are wearing black. Not because of Arvind, trust me.
I just wanted to wear black, and when I wore and when I left my house, then on the streets when I saw ki most of the people are wearing black, so then I realized it's Halloween. But that's okay now. I'm glad I wore black. बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है एंड लव का इंतजार उन्होंने प्रोड्यूस किया है मेरे लिए. आई वर्क विथ हिम एंड इट इज़ अ फैबुलस फैबुलस एक्सपीरियंस. वी नो हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम बिकॉज वो मेरी सिस्टर को भी जानते थे राइट फ्रॉम द टाइम विज असिस्टिंग सूरज पर यात्रा जी फॉर विवाह. सो इट्स लाइक अ लॉन्ग कनेक्शन एंड आई हैड फन वर्किंग विद अल्केमी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम ऑल ओवर अगेन. सारी लड़कियाँ ब्लैक पहन रही हैं आज बिकॉज आई थिंक वो माहौल ही ऐसा है लाइक नाइट पार्टी ब्लैक इज इन. ब्लैक शॉर्ट ड्रेसेस आर ऑलवेज इन. ऑलराइट थैंक यू.